फ्रेंड, मेरी किड डॉल फूड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे मीठे मीठे रसगुल्ले। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड के रसगुल्ले बिना किसी झंझट के। तो चलिए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिए हैं, मैंने यहाँ पे 8 ब्रेड लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं इसके चारों किनारे जो है वो उसको काट लूँगी। इस तरह से मैं सारे किनारे काट लूँगी, सभी के किनारे इस तरह से काट लूँगी। इस तरह से सारे किनारे मैंने काट लिए हैं। तो अब इसको मैं तोड़ दूँगी, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसको तोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ सारे ब्रेड को तोड़ लिए हैं। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। एक साथ नहीं डालना है इसको, थोड़ा थोड़ा सा डालना है चम्मच से। इसका आटा गूंथते जाना है और दूध डालते जाना है। एक साथ डाल दोगे तो ये बिगड़ जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है हमें दूध, और इस तरह से बैटर को तैयार कर लेना है। तो इसको मैं अब 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो अब हम चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने से पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जाके लाल बटन को दबा के घंटी बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए फटाफट चाशनी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और 1 गिलास पानी लिया है। तो जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम रसगुल्ले बना लेते हैं। इस तरह से आप छोटे या बड़े बना सकते हो। इस तरह से गोल शेप देना है। तो इसी तरह से मैं सारे रसगुल्ले बना लूँगी। आप देख सकते हो। तो हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें मैं सारे रसगुल्ले डाल दूँगी। इसमें मैं एक एक करके सारे रसगुल्ले डाल दूँगी। और मैंने गैस की फ्लेम कम रखी है और 5 मिनट तक मैं इसे पकने दूंगी। अब बन गए हैं, हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसको 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। और मैं इसमें बादाम को मैंने इस बारीक बारीक कर लिए है, इसको मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। आप केसर या कुछ भी लगा सकते हो, अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।